हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि और सो गाइस हम एक्चुअली आए हैं 93 एवेन्यू मॉल। हम यहां पे आए हैं फॉर यूके बिजनेस वीज़ा प्रोसेसिंग। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर यूके बिजनेस वीज़ा और कैसे होती है प्रोसेसिंग। सो गाइज, फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड माई वीज़ा प्रोसेस। एक्चुअली एक फॉर्म गड़बड़ हो गई थी, मुझे वीज़ा का फॉर्म वापस भरना पड़ा बिकॉज स्मॉल मिस्टेक आई डिड इन माई फॉर्म। उसके से मुझे पूरा फॉर्म वापस भरना पड़ा और एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़े। और वेन एवर यू सबमिट वीज़ा फॉर्म, यू नीड टू सबमिट योर बैंक स्टेटमेंट, योर पेमेंट स्लिप, योर ITR, फॉर्म 16 एंड सम कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन लाइक योर कंपनी इंफॉर्मेशन इफ यू हैव। तो वो मैं सब फिल करके आया। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन हम लोग हमारे डिसीशन में भी मेंशन करेंगे। दिस इज़ फॉर बिजनेस वीज़ा एंड अगर आपको ट्रैवल वीज़ा निकालना है तो आपको जिस कंट्री आप फ्लाई करने वाले हो उस कंट्री का आपको एक्चुअली इन्विटेशन लेटर चाहिए। मतलब अगर आपके फ्रेंड वहाँ पे है, आपके कलीग वहाँ पे है, आपका फैमिली मेम्बर वहाँ पे, वहाँ से आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए। उनके पासपोर्ट की जेरॉक्स चाहिए आपको, लाइक अ कॉपी। देन आपका पासपोर्ट, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो आपके जो पेरेंट्स है या कोई कंपनी है उनकी भी ITR स्टेटमेंट चाहिए। जस्ट टू मेंशन दैट अबाउट योर फाइनेंशियल डिटेल्स। इसलिए अगर आप कोई भी फॉर्म अगर कुछ मतलब सबमिट कर रहे हो तो उसके पहले आप एक बार फॉर्म को रिचेक जरूर करें। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से मुझे आज पूरा डे स्पेंड करना पड़ा और मेरे वजह से अंजलि को बहुत टाइम तक बाहर बैठना पड़ा। चलो, तो यही था आज का हमारा डे और होप सो कि यू विल नॉट फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल सबमिटिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन।